जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया का आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम लोग इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसमें देखिए प्राइस अभी तो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेसिकली लोअर सर्किट की वजह से प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग चार्ट पर समझेंगे कि प्राइस जो लगातार कंटिन्यू नीचे आ रहा था, उसमें आप जब चार्ट पर देखेंगे तो पाएंगे कि प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया, प्राइस अब अप ट्रेंड में जा रहा है, जाने लगा है, इसमें भले लोअर सर्किट लग रहा है उसके बावजूद। चलिए पहले मैं BSE इंडिया की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर कुछ बातें करेंगे जरूरी बात, उसके बाद सीधे चार्ट पर आएंगे और बाकी चीज़ों को वहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप BSE इंडिया की वेबसाइट पर इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया है। SMSC2 कैटेगरी में SMSC2 वाली कैटेगरी बहुत घातक होती है, इसमें आने के बाद ये पता ही नहीं लगता कि स्टॉक इस ये जो जाल है एक प्रकार से इसको हम लोग जाल कहते हैं। बेसिकली ESM और GSM की जो कैटेगरी होती है सेबी के द्वारा निर्धारित की गई है कि स्टॉक कब तक उसमें रहेगा। इसमें बेसिकली जांच परख होता है कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट है, इतनी बड़ी तेजी क्यों आ रही है, तो कब इससे बाहर निकलेगा ये पता चलना मुश्किल होता है। हालांकि 1 से 2 मंथ तक इसमें जाने के बाद स्टॉक रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे देखेंगे तो अभी लोअर सर्किट भी स्टॉक आपको चल रहा है। लोअर सर्किट जब लगता है फिर इसमें अनिश्चित काल के लग जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि फिर कब हटेगा कोई नहीं जानता। तो ये आपको इसमें बस अभी वेट ही करना होगा यदि आप इसको बेचना चाह रहे हैं तो। हालांकि बेचने वाली कोई बात नहीं है, आप इसमें क्यों बेचना चाहते हैं, यदि लंबी अवधि के लिए निवेश किए हैं तो इसको बेचने की कोई बात या जल्दबाजी आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग सीधे यहाँ पर चलते हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का कंपनी का 1 साल का चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट पर बाकी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए नीचे मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया और 1 साल के चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि प्राइस जो लगातार कंटिन्यू नीचे आ रहा था, यानी कि इसका जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड में था वो ट्रेंड चेंज हो गया और प्राइस देखिए अब अप ट्रेंड में जाने लगा है। अब आप कहेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है तो फिर यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा है। तो देखिए किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऐसे ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में थोड़ा गिरावट आता है फिर उठता है, फिर गिरावट आता है फिर उठता है, ऐसे चलता है प्राइस। तो इसलिए ये जो प्राइस लगातार नीचे आ रहा था, आप देखेंगे प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है, अपने 1 रुपये 40 पैसा के आसपास यहाँ पे तो खैर कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन 1 रुपये 20 पैसे के आसपास सपोर्ट था, थोड़ा सा ऊपर से ही इसने रिट्रेसमेंट लेके प्राइस को मतलब इसका जो डायरेक्शन है उसको मोड़ दिया और प्राइस अब ऊपर जाने लगा है। तो आपको करना क्या है कि इसमें वेट करना है, 1 रुपये 60 पैसे के लेवल पे ही एग्जाम्पल पर सपोर्ट के पास ही खड़ा है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे ना तो सपोर्ट था पहले, एक प्रकार से इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से फिर प्राइस रिट्रेसमेंट लेके ऊपर उठेगा और इजिली फिर यहाँ से ऊपर निकला तो 2 रुपये के लेवल को, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस और 2 रुपये का नंबर एक प्रकार से साइकोलॉजिकल नंबर भी है, तो इसको ब्रेक करेगा और उसके बाद प्राइस आपको फिर 3 रुपये तक इजिली आपको जाते हुए दिखेगा। मतलब ओवरऑल बात यह है कि चूंकि ESM की कैटेगरी में भी स्टॉक है, इससे एक बार बाहर आ जाएगा तो फिर इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 3 रुपये के लेवल के और जो टारगेट है इसको अचीव करना, और यदि आप इसमें समय देते हैं तो इजिली इसका जो प्राइस है 3 रुपये तक जाते हुए आपको दिखेगा। नहीं समय देंगे बहुत लोग घबरा के हड़बड़ा के यहीं पे किसी भी तरीके से निकल जाएगा, तो फिर वो इस बेनिफिट का ये जो मूव यहाँ पे आने वाला है इसका और वो मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए इंडियन इंफोटेक में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है और आपने चूंकि लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से इसमें पैसा लगाया है तो आपको इसमें समय देना चाहिए। स्टॉक टर्म में स्टॉक का प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहता है, तमाम इसमें मुसीबतें झेलने को मिलती है इन्वेस्टर्स को, लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर भरोसा रखना है। उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट में जो जानकारी मैंने आपको दी इंडियन इंफोटेक के बारे में समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल तो मन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।